ऐसा नहीं छड़ना रेडियो नो अगे तो मैं छड़ दिता ऐसा नहीं छड़ना। रेडियो भाई को ना मैंने तवे से मारना है, उसने मुझे ना चैलेंज दिया हुआ 10 जालों का, मैं 10 जाल तो देखा आपने 10 प्लेन्स का मतलब रूम था, रूम में चैलेंज मिला था एफएम भाई का, और एफएम भाई के रूम में 250 से कम एमएस आती नहीं है। तो पहले रूम वाले मैच मैंने एंड पे कर दिए, जो भाई देखना चाहते हैं 6 मिनट या 5 मिनट पे जाएं, उधर से आप ये रूम वाला वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने स्टार्ट किया नया कॉन्टेंट, और नया कॉन्टेंट इसलिए स्टार्ट किया कि मेरे व्यूज सोलो में काफ़ी डाउन हो गए, काफ़ी ज़्यादा चैनल के कह सकते हो लग गया, बट आपका भाई तो कभी हार मानने वाला में से था ही नहीं ना, तो मेहनत है करते रहेंगे, आई विल नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। तो इंशाल्लाह कंटेंट चेंज करते रहेंगे, जो लोगों को पसंद आएगा वही करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं इवेंट पे, तो कंटेंट नया हमने क्या स्टार्ट किया हम आपको बताते हैं। अब हम करेंगे लैंडिंग के स्पोर्ट्स। तो लैंडिंग के स्पोर्ट्स हम मतलब जो लैंडिंग होगी ना उसको खाली किया करेंगे और उसका अपलोड किया करेंगे, उसमें क्लचेस भी होंगे, सब कुछ हुआ करेगा। ओके, यहाँ पे दो बंदे और डैमेज दे, पाइप डैमेज दे, कहता डैमेज है। तो क्विक नॉक कर देते हैं दो बंदों को हम यहाँ पे, मुझे लगता है बंदा है बट बंदा नहीं होता, और दो बंदे इनके, एक ऊपर होता है सामने यहाँ पे ऊपर, और एक वही होता है जहाँ पे मैंने दो नॉक किए हैं। अरे भाई किसकी टीपीपी ले रहे हो यार, मैं तो यहाँ हूँ। तो यहाँ पे इस भाई को मार के अब सामने वाले घर पे मैंने दो बंदे नॉक किए थे, और इनका लास्ट बंदा उसी घर में है, तो 3 नॉक हो चुके होते हैं इनके। तो उससे पहले जो सोलो बंदा था वो अलग टीम का था। तो यहाँ पे मुझे साउंड आता है, मोली करता हूँ, बट वो विंडो वाली साइड होता है, और काफ़ी अच्छा प्लेयर होता है, बिल्कुल गलती नहीं करता ये बंदा। तो हम भी ट्राई करते हैं गलती ना करें, बट गलती तो कर लेते हैं, बट बचत हो जाती है गलती के बावजूद। तो अभी बंदा उस पार है घर के, मैं इस पार हूँ, देखो ना वो आगे आ रहा है ना, मैं कह रहा था कि भाई मैं अपना क्लच 1v4 मिस करूँ, मैं भी आगे नहीं था जा रहा, बिल्कुल भाई गलती नहीं करने का। तो यहाँ पे काफी वेट करने के बाद मैं पुश कर ही देता हूं। तो ये लैंडिंग स्पॉट खाली हो जाती है, मतलब यहाँ पे हम लैंडिंग करके तकरीबन 6 किल्स करते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता। तो यहाँ पे ये लूट शूट करके, ये डब्बा जब भी हम इन लैंडिंग स्पॉट्स पे लूटेंगे तो मतलब कि ये जगह हमारी खाली हो चुकी है। तो उसके बाद ये दूसरा मैच है, इसमें भी हम लैंडिंग हमारी इसी स्पॉट पे होती है, ये टाउन जो बना हुआ है नया इवेंट आया, तो लैंडिंग तो खैर नहीं होती, लैंडिंग से दूर होता है। गाड़ी लेके मैं आता हूँ यहाँ पे, ओके सामने बंदा, तो यहाँ पे एक भाई को हम नॉक कर देते हैं, और इन भाई का पूरा स्क्वाड अभी यहाँ पे हम पे रश करने वाला है, और ये पाकिस्तानी लोबी है, तो जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि राइट लेफ्ट से पुश होगा, अरबियों की तरह एकदम एक साथ पुश नहीं हुआ करेगा। तो थोड़ा समझा के मैं आपको बताया करूंगा कि ऐसे ऐसे है, तो कंटेंट कुछ ऐसे आया करेगा। ओके, सामने से एक बंदा राइट पे आया, बिल्कुल मेरे सामने है। अरे भाई क्या प्री फायर मारा उसी का, अब इसका नेट भी मेरी PTCL नेट की तरह था। चौथे बंदे को मार के हमारा इजी 1v4 यहाँ पे हो जाता है, और सोच रहे होगे भाई लोबी कौन सी है, लोबी ये आपको पता लग, शायद किसी मैच में इनमें से पता लग जाए, बट Crown 3 चल रहा है, तो ये चारों भाइयों को हम फिनिश कर देते हैं यहाँ पे, हमारा इजी यहाँ पे इन पे 1v4 हो जाता है। तो इसके बाद फिर हम अगली लैंडिंग पे आते हैं। सीनियर गाइस, लैंडिंग्स पे हम कुछ एक्सपीरियंस मिला करेगा कि यार लैंडिंग स्पॉट पे हम कैसे खेलना चाहिए, आपको देख के मतलब मेरी गेम प्ले इंशाल्लाह। और दूसरा क्लचेस भी बीच में हुआ करेंगे, 1-2 क्लचेस, 3 क्लचेस, या फिर कभी कभी सारे क्लचेस हुआ करेंगे, कभी कभी सारे लैंडिंग वाले मैचेस हुआ करेंगे।
तो हाँ मारूंगा भाई, कहता मार दो भाई मार दो। तो यहाँ पे फिर हम बग्गी लेके इसी लैंडिंग स्पॉट पे आते हैं, रास्ते में दो बोट मारते हैं। तो ओके सामने बंदा, हेलमेट मेरा बिल्कुल डैमेज है, लेवल 1 है वो भी, ना होने के बराबर है। ओके यहाँ पे मोली मारा था भाई को, हमने नॉक कर दिया। विंडो पे बंदा सामने, ओ भाई क्या मारा इसने। ओके 3 नॉक हो चुके हैं, तो फिनिश करूँगा। फिनिश इसलिए करूँगा कि नहीं करूँगा तो केडी लोगी, केडी लोगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे तो गुस्सा आएगा। ओके यहाँ पे 3 नॉक हो चुके हैं, लास्ट बंदे का साउंड आया सामने और फुटस्टेप्स भी। तो ये ना यहाँ पे डब्बा लूट चुका होता है जो हम हर मैच में लूटते हैं, ये होता है फ्री फायर का फायदा। MG3 थी उसके पास, बट खैर अच्छा हमने इसको मारा, वो भी अच्छा खेला। बट हमारे पास लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट था, आई थिंक वेस्ट हो गया, बट लेवल 3 का हेलमेट था। तो यहाँ पे इस भाई को हम मार देते हैं और हमारे आराम से यहाँ पे भी 6 किल हो जाते हैं। तो बताओ कंटेंट मज़े का है यानी, बट मैं कैरी करूँगा इस कंटेंट को थोड़ा अरसा अगर। ओके एक और बंदा आया, बेचारा रिकॉल हो गया था। तो एज प्रोमिस मैंने जैसा कहा था कि भाई खाली करूँगा इसको, बेशक एक बंदा हो दो जितने भी रह जाएंगे हम सबको मारा कहेंगे, 5 किल 10 किल 8 किल 12 किल 15 किल जितने भी लैंडिंग स्पॉट में हुआ करेंगे वो करके हम फिर ही। तो अब आ गया रूम वाला सीन। तो यहाँ पे हमारे जो भाई होते हैं, जो है बंदा उतर गए सामने वाले घर में, चट भाई ये कहते हैं यस नया जा रहा है स्क्वाड FM वालों का। बट वो एक बंदा हमारा स्ट्रीम देख रहा होता है, वो कहते हैं अरे वो तो जोधपुर चले गए। तो ना हम जोधपुर के रहते हैं ना ये स्नैक है, हम अचानक लैंडिंग कर लेते हैं रोजोक। तो यहाँ पे पहले ही बंदे उतरे होते हैं, तो सामने एक बंदा होगा। ओके पुश कर रहा है, ला रहा हूँ आ जाए। यार ये MS FM भाई बाहर रहते हैं ना तो उनके रूम में, तो इसलिए थोड़ा इशू होता है। तो यहाँ पे उतरते हैं फिर हम रिकॉल हो गए, तो मेरे को 2 किटा ना जाया ना हो जाए। देखो गन कितनी यार मुझे ना कितना मतलब बट हैश हो गया, गन नहीं बड़ी मुश्किल से उठा रहा है भाई बंदा। तो ना ना जाओ 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 भाई साहब, गन स्विच ही नहीं हो रही। भाई कितना मारा, थोड़ा जा सेफ ले जाओ इन्हें फड़ने फिर आ जाओ। ओए ओए एक एक बंदा रिकॉल ते गड्डी लेके जा सकता है शूटिंग रेंज वाले, बिल्कुल उतर ही है। हाँ FM टॉक्सिक था उसको, ओ मार मार इसको मार मार। ये एक ही बंदा इधर आता है, इसको ब्लॉक कर देते हैं। अभी लोग FM भाई की स्ट्रिंग देखते हैं, उनको पता होगा FM भाई जोधपुर में बड़ी बिल्डिंग पे यहाँ पे स्टे करते हैं ना ज़्यादातर, यहाँ पे नहीं सामने वाली से आगे। तो यहाँ भी होते हैं वो, हम जैसे आते हैं भाई इतनी वाम होती है, हर नुक्कर में वाम घुसी होती है और हमें मार देते हैं। इसके अलावा FM भाई का एक और रूम मैंने खेला है और हमने उसमें ऑलमोस्ट चिकन निकाला था, बट वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई क्योंकि स्टोरेज फुल होती है तो मैं वीडियोस डिलीट करता हूँ बगैर सोचे समझे, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। FM भाई को भी पता होगा उसमें FM भाई ने अपना स्क्वाड मारा था उष्णा वाला, तो उन्होंने एग्जिट कर दिया था फिर रूम खुद को नेड मार के, तो वहाँ पे हमने किया था चिकन, तो बट गलत सीन हो गया। ये क्लिप था जो मैंने इंट्रो में लगाया था, बताओ यार कैसा ये 1v3 हुआ, मज़े का हुआ या नहीं, मैं खुद हैरान हो गया था भाई ये हो क्या गया। तो बट इसके बाद थोड़ा सीन फिर गलत हो जाता है। बाकी बताना यार कैसा लगा मेरा ये न्यू कंटेंट, न्यू स्टार्ट है, बाकी सपोर्ट करते रहो। व्यूज़ काफ़ी डाउन हो गए बट बात वही है कि हार नहीं मानी हमने। तो ये तीनों बंदों को हम एक क्या मतलब स्प्रे में ले जाते हैं क्लोज रेंज में, एक ही मैगजीन में, हाफ मैगजीन में ऑलमोस्ट। तो थोड़ी तबीयत से भी ख़राब है, दुआ किया करो भाई के लिए। बाकी यहीं तक हमारी वीडियो थी, ऐसे ही कॉन्टेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा। और कमांडो सीरीज़ के ये लास्ट बंदन का हमें मार देता है, बाकी यहाँ तक हमारा कंटेंट था। कमांडो सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, 50वां मैच खेल के ना एक ही वीडियो अपलोड कर दूंगा।
कि बस होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सिखा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।